हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे चार साइंटिस्टों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो हमारा पहला साइंटिस्ट है जेवियर एंड्रियो पेरेज। जेवियर एंड्रियो पेरेज एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिनका जन्म हुआ था स्पेन के मालागा सिटी में। वो इंग्लैंड का इसेक्स यूनिवर्सिटी में स्मार्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी का सीनियर लेक्चरर था, साथ ही साथ डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का न्यूरो कंप्यूटिंग चीफ एडिटर भी था, और वो जीन यूनिवर्सिटी के सीनियर साइंटिस्ट में से एक था। उनका मेन इंटरेस्ट था कॉग्निटिव साइंस, सिग्नल एंड इमेजिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा दूसरा साइंटिस्ट है डॉक्टर फेनी डेलिगन। उन्होंने लंदन की इंपीरियल कॉलेज से मेडिकल इमेज कंप्यूटिंग ब्रांच में पीएचडी किया था। उसके बाद लंदन इंपीरियल कॉलेज से एडवांस कंप्यूटिंग ब्रांच में एमएससी किया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से न्यूरोसाइंस में एमएससी किया था। उसके बाद एरिस्टोटल यूनिवर्सिटी ग्रीस से इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। उन्होंने पीएचडी के काम के जरिए ब्रोंकोस्कोपी में मिलने वाला ब्रोंकियल ट्री का 2D वीडियो इमेज को 3D मॉडल में रिकंस्ट्रक्ट किया, और उसके साथ एक्टिव शेप मॉडल ASM के जरिए ब्रोंकियल डिफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। बिर्क पैग में सेंटर फॉर ब्रेन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट CBCD का पहला मेंबर फानी डेलगियानी ही था। हमारा अगला साइंटिस्ट है डॉक्टर डेनियली रवि। वो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर में सीनियर लेक्चरर था, जो कि एक फिजिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का स्कूल था। उनका इंटरेस्ट था कि वो एक ऐसा AI मशीन डेवलप करे जो कि हेल्थ केयर के बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सके, जैसे कि कैंसर, अल्जाइमर्स डिजीज, ये सब अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने में डॉक्टरों को मदद मिले, सर्जरी के टाइम पे सर्जन को गाइड कर सके और पेशेंट को स्मार्टली मोनिटर कर सके। उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च कर चुके हैं, जैसे कि EU, EPSRC, वेलकम ट्रस्ट और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी एज ए रिसर्चर काम कर चुके हैं। हमारा अगला साइंटिस्ट है प्रोफेसर डॉक्टर गुआंग जंग यांग। प्रोफेसर गुआंग जंग यांग हेमलाइन सेंटर फॉर रोबोटिक सर्जरी में डायरेक्टर और को फाउंडर हुआ करता था, और द इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन में डिप्टी चेयरमैन था, जो कि इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन UK में होते हैं। प्रोफेसर यंग रॉयल सोसाइटी और ओल्फसन मेडिकल इमेज कंप्यूटिंग लेबोरेटरी में डायरेक्टर और फाउंडर भी रहा है। ओल्फसन सर्जिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में को फाउंडर भी रहे हैं, और सेंटर फॉर पारवेसिव सेंसिंग में चेयरमैन भी रहे हैं। प्रोफेसर यंग का मेन रिसर्च इंटरेस्ट था मेडिकल इमेजिंग में और सेंसिंग एंड रोबोटिक्स में। अब ये चारों साइंटिस्टों ने मिलके एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, क्योंकि इन चारों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट था। अगर आप वो आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसका PDF मिल जाएगा। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, उसमें हजारों ऐसे साइंटिस्टों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।